राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दबंग जाटनी व्लॉग्स में। और यहीं से जो लास्ट व्लॉग था उसको एंड किया था, तो मौसी के घर गए हुए हैं भाई बर्थडे पे। तो वहीं पे जो गीत वगैरह का प्रोग्राम था वो जो निपट चुका था, और जो जाने वाले हैं वो जा रहे थे, और केक कटने की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी थी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी जो है वो केक की तैयारियाँ होंगी, और केक बहुत सारे मतलब सब लोग एक साथ थे, इकट्ठे हो रखे थे। कुछ एकेडमी के बच्चे थे, कुछ घर परिवार के, कुछ आस पड़ोस के, तो उस तरीके से काफ़ी अच्छा माहौल जो है वो बन गया था। बच्चे भी काफ़ी थे और बड़े बुज़ुर्ग, मतलब सब लोग, काफ़ी अच्छा हो गया था। और यहाँ पे जो है वो काका ने ना ट्रैक्टर लगा के और ट्रैक्टर में गाने चला दिए थे, तो उस वजह से मैं कहीं कहीं पे म्यूट करूँगी सॉन्ग्स को। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और रिकॉर्ड तोड़ काम जो मैं करती हूँ डांस, तो भाई मैंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक कमेंट हो चुका है कि सोनिया डांस नहीं करती है। तो मैंने शुरुआत करी है, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो आप लोग। तो यहाँ पे शुरू हो चुकी है केक की तैयारी, और केक के लिए नीचे जो मेज पोश होता है वो रखा गया, ऊपर केक, और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रखे थे केक काटने के लिए। और हमारी मौसी तक कितने कितने पाँद रह दी। तो इसी रंगीली मौसी राम सब न देवे। तो और दादी को मैं कहा जा दादी केक नहीं काटना, तो भाई दादी आ चुकी हैं। और ये वाला केक जो है वो पहला था, और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि दूसरा केक भी हमने काटा था। अभी ये वाला केक क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे रखे थे ना, तो उस वजह से, और वही है कि बर्थडे पे कोई ना कोई ले ही आता है केक, तो उस वजह से दो केक को रखे थे। तो एक अभी काट लिया था, एक बाद में काटा था, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं, तो गांव में ना यही मज़ा आता है, शहरों में ऐसा नहीं होता, कोई भी इकट्ठा नहीं होता है। और अभी के इस जो अभी ये चल रहा है बीमारी, इस वजह से तो स्पेशली किसी को बुलाए ना तब भी बहुत कम लोग आते हैं, बट गांव में इस तरीके से बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और मतलब दिल खुश हो जाता है, अगर छोटी सी भी खुशी हो ना तो वो भी बहुत बड़ी लग जाती है। और सर पे दादी का हाथ, तो वही तो मौज हो जाती है। तो चलिए, आप लोग वीडियो को पूरा एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी। आप भी आदि को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा, अपने विशेष ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा लिंक पे जो है वो अभी स्टॉक अपडेट हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस अवेलेबल हैं। मेरा लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मेरा लिंक फ्रॉम बुलबुल शॉप।
वाराणसी शैम्पू मास्क।